हिंदुस्तान में अगर कोई गायत्री परिवार का पहला केंद्र है रोड पर उतर के माइक लेके क्रांति मचाने वाला, तो पटना युवा प्रकोष्ठ पटना का केंद्र है। और ये इतिहास गवाह होगा, आने वाले दिनों में तो सीरीज लगेगा, लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो याद किए जाएंगे। जब पूरे जमाने में आग लगा हुआ था, व्यक्ति के मन और बुद्धि में आग लगा हुआ था, उस समय मुट्ठी भर लड़के और लड़कियां रोड पर उतर के लोगों को चेतावनी दे रही थी, आजा मेरे पक्ष में, अच्छी बुद्धि वाले की संगति कर ले। जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यह सरी गली दुनिया नहीं रहेगी। सरी गली दुनिया में जो सरे गले विचार हैं, जिस विचार को अभी हम मान रहे हैं कि बड़े एडवांस लोग हैं, ये बड़े मजबूत लोग हैं, गुरुदेव ने कहा इन सबको या तो सीधा होना पड़ेगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, गुरु जी का शब्द है, या तो इनको सीधा होना पड़ेगा या इनको सीधा कर दिया जाएगा। देखे भाई, अच्छे से बात मान लो, नहीं तो उल्टे को उलट के सीधा करने की योजना है भगवान की। उन्होंने कहा सबके लिए, नेताओं के लिए भी कहा, धार्मिक लोगों के लिए भी कहा, जो कहते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े पुजेरी हैं, उनको भी कहा कि अपना रास्ता समय रहते ठीक कर लीजिए। अगर आप समय रहते अपना रास्ता ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर वाले के हाथ में सारा शक्ति है, वो आपको सुधार देगा। कैसे सुधारेगा, ये तो उसकी योजना है। जब किसी राज्य में वहाँ की सरकार ठीक से काम नहीं करती है, आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ कौन सा शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्यों क्यों लगा भाई राष्ट्रपति शासन, क्योंकि यहाँ की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो जब हम अपनी बुद्धि के विचार से स्वतंत्र होने लगेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ऊपर वाला कौन सा शासन लगा देगा, राष्ट्रपति शासन। फिर आपके जीवन में जब कष्ट आएगा तो आप छाती पीटते रहेंगे। हम लोग इन दिनों यही काम कर रहे हैं, लोगों को इसकी सूचना दे रहे हैं, भाई बुद्धि ठीक कर ले। उसको पता ही नहीं है कि बुद्धि किसको कहते हैं, वो तो समझता है, जिस एरिया में कल कार्यक्रम में हम गए थे, जैसे ही एंट्री मारे हजारों की संख्या में युवा, और सही बात है उतनी ही संख्या में पहली बार किसी जगह हमने युवतियों को भी देखा, लड़कियों को भी देखा, ये वर्ग तो शांत बैठा हुआ था सुनने के लिए, लेकिन ई वाला जो था ई हुहा कर रहा था, विसिल मार रहा था। तब तक हम मंच पर गए नहीं थे, हम कहे अच्छा मार, थोड़ा तुम भी मार ही ले आज, आज पाला पड़ा है तुमको किसी आदमी से। फिर हमारे निशांत जी गए, इन्होंने थोड़ा अपने रीजनिंग स्टाइल में कोशिश किया समझाने का, थोड़ा संत हुआ। उसके बाद हम गए, हमको तो प्रवचन देने आता ही नहीं, प्रवचन सुनना है तो आस्था चैनल, संस्कार चैनल और यूट्यूब पर बहुत सारे बाबा दाढ़ी मोछ जटा राधे 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 राधे, यह मत आई। हम तो कहते हैं सुधरना पड़ेगा, और नहीं तो सुधार दिए जाओगे। ये वर्ड बड़ा पावरफुल वर्ड है। रावण के दरबार में पहुंचा था अंगद, रावण को ललकारा, रावण मतलब दुर्बुद्धि, रावण मतलब कोई आदमी नहीं, राक्षस नहीं, जिसके जिसके मन में दुर्बुद्धि है वो क्या है, आप लोग क्या हो,
रावण मतलब कोई आदमी नहीं, रावण मतलब दुर्बुद्धि। अभी लोग अपने कह दिया कि हम लोग रावण। तो साहब ये दुर्बुद्धि, तो वहां पहुंचा कौन? वहां पहुंचा अंगद। रावण देखा कि साहब ये बंदर है, इसकी औकात मेरे सामने क्या है, हम कहाँ लंका के राजा हैं, लॉज में रहते हैं, जींस टाइट पहनते हैं, सब है। अंगद समझाया बताया कि आप किससे टक्कर ले रहे हो। रावण हंसता था, वह कहता था कि या तो सुधर जाइए, रामायण देखिए उसमें कह रहा है रावण को, अंगद कह रहा है या तो सुधर जाइए, उनके शरण में चले जाइए। किनके? राम मतलब राम जी की मूर्ति, राम मतलब अयोध्या जो मोदी जी उद्घाटन किए हैं वो वाला, सद्बुद्धि के शरण में चले जाइए। राम मतलब सद्ब, आप लोग ही ने सोचिएगा राम के शरण भैया बोले हैं अयोध्या का टिकट कटा लेते हैं। अयोध्या गए थे, यहाँ गए थे, मूर्ति बड़ा सुंदर था, राम जी ऐसे देख रहे थे ना, लगा हम ही को देख रहे हैं, तो वहीं रह काहे नहीं गए, रह जाते। आजकल आदमी भी फैशन परस्ती में भगवान को भी घसीट लिया है। राम मतलब किसके शरण में जाओ? आपको भी यही बार बार एक ही चीज रिपीट किया जाता है, बार बार राम के शरण में जाओ, सद्बुद्धि के। रावण हंसा, कौन राम? वही जो जंगल जंगल मारा फिर रहा है, जिसको भोजन नहीं है, बैर तोड़ के जामुन तोड़ के खाता है, जिसका अपना कोई औकात नहीं है, रोड पर नुक्कड़ सभा करता है। जो रोड पर नुक्कड़ सभा करता है वो सद्बुद्धि का प्रतीक है। अपना नौकरी मिला नहीं, अपना रेलवे में ढुकी नहीं, दूसरे को ढुकाने का योजना बना रही है। तो ये चीज उस समय भी राम को सुनना पड़ा। किताब अपने तो राज से इनको निकाल दिया गया, पत्नी समेत गेरुआ वस्त्र पहना दिया गया, बहुत पावर था तो कैसे निकल गए। तो राम भी, राम को रावण इसी रूप में समझा, साधारण, अति साधारण। आप भी क्या समझ रहे हो हम लोगों के अभियान को, क्या समझ रहे हो? अति साधारण। तो आप कान खोल के सुन लो, जो दुर्दशा उस रावण का हुआ, वही दुर्दशा आने वाले समय में अगर लोग नहीं सुधरे तो उनका होने वाला है। इसलिए हम लोग हर जिले मुख्यालय पर जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अंगद ने समझाया, रावण ने नहीं माना, क्या हुआ? रावण कहाँ गया? बेटा पोता नाती पर पोता समेत हवा में उड़ गया, चिथरा चिथरा उड़ गया है। उसी लंका में, उसी लंकापुरी में, हॉस्टल में, लॉज में, हॉस्टल लॉज भी इन दिनों क्या बना हुआ है? लंकापुरी। उसी लंकापुरी में रावण का एक भाई रहता था, क्या नाम था? विभीषण। वो ध्यान करता था, अध्यात्म के रास्ते पे चलता था, और सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर कोई सहता था लंका में तो कौन सहता था? सबसे ज्यादा मजाक किसका उड़ता था? विभीषण का उड़ता था। बाद में उस लंका का राजा कौन बना? जिसका सबने मजाक उड़ाया था। ये मंदिर जाता है, ये ध्यान करता है, ये आंख बंद करके बुदबुदाता है, वो कहाँ गया पता नहीं, लेकिन जिसका मजाक उड़ा वो लंका का राजा बन गया। ये समझ लीजिए सेम अभियान है। उस समय रावण दिखाई पड़ता था वो सामने, आज रावण दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण, रावण जब मरने लगा
तो भगवान राम उसके पास पहुंचे और राम ने पूछा, बोलो रावण। बुलाया था कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो रावण ने कहा, प्रभु इस जन्म में तो हम अकेले थे, आप आए, अपना ब्रह्मास्त्र चला के हमको मार दिए, मेरा फिर से जन्म होगा। फिर से जन्म होगा? हाँ, फिर जन्म लेंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिला हुआ है। कब होगा? कहे कलयुग में। कलयुग में ये कौन समय चल रहा है? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हम लोग जैसा हंस, हंस चुगेगा दाना चुगा, कौआ मोती, कौआ सब मोती खा रहा है ना एनआईटी घाट पर, वो देखो किनारे वाली के देखो, उसका नंबर लो, माफ कर। तो रावण कहा, फिर होंगे, फिर आएंगे। पूछे राम भगवान, पूछे किस रूप में? कहे दिखाई नहीं पड़ेंगे, इस बार हम भी चालाकी से आएंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा? इस धरती पर जन्म लेने वाले सबके अंदर थोड़ा थोड़ा समा जाएंगे और उन्हीं से हम अपना काम कराएंगे और तब देखेंगे कि आप हमको कैसे मारते हैं। और मारिएगा तो पूरा सृष्टि को मारना पड़ जाएगा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ रावण वाला बुद्धि। राम ने कहा, क्या सो सुनिए रावण, मारने वाला से बचाने वाला हमेशा बलवान होता है, तू डाल डाल तो भगवान पात पात, मेरा भी जन्म होगा रावण। अब रावण फिर डराया, आपका भी जन्म होगा, किस रूप में? रावण हम भी दिखाई नहीं पड़ेंगे और गायत्री रूपी ब्रह्मास्त्र के रूप में पैदा होंगे, जो दिखेगा नहीं लेकिन जैसे ही अंदर जाएगा ओम भूर, रावण कहेगा अरे कौन तीर मारा भाई, भीतर का बैठा हुआ दुर्बुद्धि रूपी रावण, भैया इनके अंदर से भागो, ही गायत्री जपने लगे हैं, भाग रे भाई। भाग के कहां जाएगा? आपके चाची के पास, आपके मौसी के पास, आपके बगल वाले के पास। अब क्या हुआ, उनके अंदर पहले से थोड़ा था, जो सबके अंदर था तो उनके अंदर आपका वाला भी चला गया। अब आपको कल तक तो चाची मामी मौसी फूफी ऐसे कर रही थी, अब कहीं पगली हो गई है, बरसा पड़ रहा था उसमें भी गई मंदिर, ये पागल सब है। अब देखिए उनके उनका भी सुधार करना पड़ेगा, चाची को भी समझा के बुझा के फुसला के चाट किया के पोचका किया के, चाची मतलब एक व्यक्ति ले आइए और उनको भी गायत्री जपवाइए। सबको, सबके अंदर बैठा हुआ दुर्बुद्धि रूपी रावण जब भागेगा तो कहाँ जाएगा? कहेगा भैया अब बिहार छोड़ो, अब तो लड़की लोग भी माइक लेके रोड पर उतर गई है भाई, पहले तो खाली छोरे सब था, अब तो लड़कियां भी कह रही है बदलो अपनी चाल, नया जमाना आने वाला है, अब यहाँ बिहार में नहीं रह पाएंगे। अब तो लौज लौज में अगर गायत्री मंत्र करने लगा तो सारे लौज से निकला हुआ रावण, सारे जनता का निकला हुआ रावण कहाँ जाएगा? कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान खोजेगा, और बिहार में एक ही स्थान है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, कहाँ? बिहार विधानसभा। सारे जनता का निकला हुआ रावण 200 कुछ लोगों के अंदर, 243 लोगों के अंदर समा जाएगा। उनके अंदर पहले से तो अपना वाला था, वो गमछा लपेटे हुए थे है, और इस सब का निकला हुआ रावण। अब पता चला बिहान सभा में क्वेश्चन हो रहा था, कुर्सी फेंका फेंकी शुरू हो गया, उस पर कुर्सी फेंका, उस पर किसी का सर टूटा, किसी का कान टूटा, किसी का मुंह टूटा, किसी का कुछ टूटा, किसी को कान, अरे क्या हो गया भाई, कहीं पूरा बिहार गायत्री तो नहीं जपने लगा है, तो उनको भी गायत्री जपवाना होगा। अंदर का जो रावण है ये गायत्री ब्रह्मास्त्र है, सबसे पहला वार क्या करता है, आदमी के अंदर बैठे हुए दुर्बुद्धि को समाप्त करता है। यह व्यक्तिगत अनुभव भी मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं जिसको चाह के भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो,
आपका मन करता है छोड़ देना चाहिए, लेकिन छूटता मन है कि, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र, आप जानते हो ब्रह्मास्त्र, जब अपने यहां एक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, जब उसका परीक्षण हुआ तो पाकिस्तानी सेना और वहां का प्रधानमंत्री आपात मीटिंग किया कि भाई ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, कहीं चला दिया धोखा धोखी में, एक बार शायद हुआ भी था है, धोखा से शायद बटन दब गया था, वो तो कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान में जाके गिर गया। कहा बताइए धोखा में तुम यहाँ गिरा देता है और सही में गिरा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हैं सब वर्ल्ड कप तुम ही लोग जीतेगा और हम लोगों को नाशो तुम ही करेगा, इसलिए भाई सावधान सावधान, समझाया जा रहा है। बाद में मत कहना कि हमको किसी ने बताया, समझ लीजिए, इसलिए समझ लो भाई, समझ लो आप, ये परिवर्तन की समय चल रहे हैं, परिवर्तन के समय चल रहे हैं, आप चाहो या ना चाहो। हम नहीं चाहेंगे, मच्छा भाई बाद में छाती पीटते हुए मेरे पास मत आना, और ये मत कहना कि भैया एक बार आए थे युवा प्रकोष्ठ में, आप बताए थे कि गायत्री करना ध्यान करना, उस समय तो हम जोश में थे कि हमर बड़की बहनी के ब्याह हुआ, अब हम ही बचल हियो, दरोगे से ब्याह करबू, और दरोगा जी चोरी हो गई है, माफ करना भाई, करना बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। आज की दुनिया में कमजोरों की बात कोई नहीं सुनता है। 7 तारीख को क्या है, गर्ल्स एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट, हमको बहुत गर्व हुआ, सौभाग्य है पटना का, बिहार का, कि कल रोड पर पहली बार लड़कियां माइक लेके उतर गई। ये क्रांति का सूत्रपात बिहार से हुआ है, इस बात का हमें गर्व है। हिंदुस्तान में अगर कोई गायत्री परिवार का पहला केंद्र है रोड पर उतर के माइक लेके क्रांति मचाने वाला, तो पटना युवा प्रकोष्ठ पटना का केंद्र है, और ये इतिहास गवाह होगा। आने वाले दिनों में तो सीरीज लगेगा, लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो याद किए जाएंगे, जब पूरे जमाने में आग लगा हुआ था, व्यक्ति के मन और बुद्धि में आग लगा हुआ था, उस समय मुट्ठी भर लड़के और लड़कियां रोड पर उतर के लोगों को चेतावनी दे रही थी, आजा मेरे पक्ष में, अच्छी बुद्धि वाले की संगति कर ले, वरना नहीं तो तेरा जाना तय है। शक्तिशाली पांडव था कि कौरव, कौरव का संख्या हजारों और पांडव, पांडव को बेवकूफ समझता था कौरव, क्या हुआ बचा कौन, मैं चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहे, शादी के पहले भी शादी के बाद भी, दोनों जिंदगी का अगर आनंद लेना है, सुख लेना है, जिंदगी को शांति से बिताना है, कि ध्यान और गायत्री मंत्र जीवन में कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में आने वाले समय में आपको कहां से कहां पहुंचाने वाला है, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे।